तो भाई ये रात में 2 बजे का सीन है ट्रेन के अंदर। एक सीट पर 3-3 लोग जा रहे हैं, देखिए स्लीपर में। दोस्तों सुनो तो अपना हावड़ा टाइम आज है सारागाछी रेलवे स्टेशन। तो गाइस ये है टिकियापाड़ा, हावड़ा ब्रिज के पहले ये छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं। सामने ही हमें हावड़ा ब्रिज दिख रहा है और ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन में एंटर कर रहे हैं हम लोग अभी। तो भाई ये है वो हावड़ा ब्रिज जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं हावड़ा में। और ये एक भारत का ऐसा ब्रिज है जहां पर एक भी नट बोल्ट यूज नहीं किया गया है और ये सबसे बड़ा ब्रिज भी कहा जाता है नदी के ऊपर। और विदाउट पिलर और विदाउट नट बोल्ट के ये ब्रिज यहां पर बनाया गया है। बहुत पुराना ये ब्रिज, हम लोग आए यहाँ पर देखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हावड़ा ब्रिज जो अभी अभी आपको दिखाया गया। बहुत ही बड़ा ये हावड़ा ब्रिज है, मैंने आज देखा, जो बहुत मिस्टेरियल ब्रिज कहा जाता है।
हावड़ा में। और अब हम जा रहे हैं टैक्सी से कालीघाट टेम्पल। और ये टैक्सी देख रहे होंगे आप, काफी वन वे रोड देखने को मिल रहा है हमें। तो ये आप देख रहे होंगे आगे सीधा मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता, पैदल ही जाना है। और आए तो है हम लोग, लेकिन काफी लोग यहाँ से, हमें पीछे से रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। ये सीधा ही रास्ता था पहले, लेकिन अभी बंद करवा दिया गया। ये देखें तो टैक्सी ने हमें लाकर यहाँ पर छोड़ा, यहाँ से आगे टैक्सी नहीं जाती। और अब यहाँ से हमें जाना होगा पैदल कालीघाट टेम्पल। तो ये मेरा क्या बोला, मंदिर क्लोज हो गया। तो ये अब हम जा रहे हैं पैदल कालीघाट टेम्पल के लिए। तो अब हम आए हैं कालीघाट टेम्पल बाय रोड ट्रैक करते हुए। टैक्सी स्टैंड पीछे था, टैक्सी ने हमें वहां पर ही ड्रॉप कर दिया, रास्ता नहीं है ऐसा बोलकर। ये आपको आगे दिखाई दे रहा होगा मंदिर। तो चलिए भाई, अब हम पीरे मंदिर के सामने नारियल पानी सिर्फ 40 रुपए में। एक्सक्यूज मी, हेलो, और एक चीज। तो ये फ्रेश नारियल पानी अब हम यहाँ पीने वाले हैं कालीघाट टेम्पल में। यार बहुत मीठा है पानी, सही में। और एनर्जी कुछ भी नहीं बचा था हमारे अंदर में। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन के लिए, हम लोग भी आए हावड़ा में। यहाँ से दर्शन करने के बाद जाएंगे हम लोग हमारे बैक साइड में, मतलब हमारे बैक साइड में दिख रहा होगा आपको मंदिर का एंट्री गेट। तो अब हम कर रहे हैं कालीघाट मंदिर में एंटर। तो गाइज ये है कालीघाट टेम्पल का व्यू। तो अभी कालीघाट मंदिर बंद है और ये शुरू होने वाला है 4 बजे, 4 से 9 बजे का टाइमिंग यहाँ बताया जा रहा है। तो हमें तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा क्योंकि
मंदिर अभी बंद हो चुका है और हमारी ट्रेन भी है 4 बजे की, तो दर्शन तो नहीं हो पाए लेकिन हम लोग मंदिर तक पहुंच चुके हैं। तो बाहर से हम लोग दर्शन करके यहाँ से जाने वाले हैं। तो कालीघाट टेम्पल अभी घूमने के लिए और 3 घंटा समय लगेगा, तो हम लोग घूम रहे हैं, कालीघाट के निकल चुके हैं। तो ये मंदिर तो बंद है लेकिन मंदिर के बाजू वाला एरिया में दिख रहा है पूरा। तो बहुत बड़ा मंदिर परिसर में यहाँ देखने को मिला और ये कंफर्म नहीं करके आए थे हम लोग कि मंदिर का टाइमिंग रहता है, मतलब कितने बजे बंद होता है और कितने बजे स्टार्ट होता है। अगर ये कंफर्म करके आते तो शायद हमें मंदिर देखने को मिलता, हम लोग वहाँ से ही ऐसे तैयारी में आते। तो भाई ये हावड़ा की गलियाँ और हम रास्ते देखते हुए समझ में आ रहा होगा दिख रहा ना, रेस्टोरेंट बहुत है इधर। अरे सही जगह आ गए। तो भाई अब हम खाना खाएंगे यहाँ पर हावड़ा में, तो चलिए चलते वैसा वाले। भाई बहुत देर है, प्राइस तो बढ़ा ना यहाँ पे। तो ये है हावड़ा की चिकन बिरयानी, जहाँ पर चिकन बिरयानी के साथ दिया जाता है एक आलू फ्राई करके तला हुआ। हाउस अभी हम पहुंच चुके हैं, बहुत गजब का ये व्यू देखने को मिला। तो ये है विक्टोरिया हाउस जो हावड़ा में है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया हाउस से हावड़ा हावड़ा रेलवे स्टेशन, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका है, हमारी ट्रेन है 4 बजे की। तो भाई ये है हावड़ा ब्रिज का व्यू, अब हम टैक्सी से लेके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हावड़ा ब्रिज, कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। वाओ क्या सीन है।
रहे हैं हावड़ा से कामाख्या टेम्पल। हावड़ा गुवाहाटी एक्सप्रेस यहाँ से निकलने वाली है 4 बजे। काफी दूर है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हमारी ट्रेन लगी है। चलो बाय बाय कोलकाता, अब हम जा रहे हैं कोलकाता से कामाख्या आसाम। ये आसाम कामाख्या टेम्पल है हमारा ब्रेक। ये है कोलकाता का व्यू, कोलकाता का व्यू। और यहाँ से हमारी ट्रेन अभी छूटी हुई है 5 बजे। 5 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं। हम लोग पहुँचने वाले हैं आसाम में कल मॉर्निंग 10 बजे। In 200 meters, you will arrive at your destination. अभी तो काफी अच्छा है, हमें सीट भी मिल गई। देखते हैं अगर वो सीट आगे तक वैसी बनी रहे तो चलिए आसाम।